बीते कई दिनों से यूपी में खूंखार भेड़ियों का कहर जारी है। ये भेड़िए रात में घात लगाकर लोगों का शिकार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला कारवां अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को इसे जानने में दिलचस्पी हुई है। भेड़ियों के बारे में सुनते ही उनके नेतृत्वकर्ता अल्फा भेड़िया की छवि सामने आती है। भेड़ियों के झुंड में अल्फा भेड़िया वह होता है जो समूह का नेतृत्व करता है। लेकिन क्या सच में अल्फा भेड़िया इंसानों से 10 गुना ताकतवर और 100 गुना ज्यादा सूंघने की क्षमता रखता है? करीबन 3 दशकों से पीलीभीत में वन एवं वन्य जीवों पर कार्य कर रहे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अमिताभ अग्निहोत्री ने इसको लेकर लोकल 18 से खास बातचीत की है। दरअसल बात यह है कि भेड़िए झुंड में रहते हैं और झुंड का एक मुखिया होता है, जिसे हम अल्फा कह सकते हैं, जिसे हम लीडर कह सकते हैं, जिसे हम कुछ भी कह सकते हैं। और वही जो है लीडर इसलिए बनता है कि एक तो उसकी बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता अन्य भेड़ियों से ज्यादा ताकतवर होता है, और वह समूह में समूह के हर सदस्य को यह निर्देश भी देता है कि वो तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें ये करना है। योजना बनाने का काम भी वही करता है। तो ये अल्फा भेड़िया की विशेषता है। और दूसरा ये है कि जैसे कहा जाता है कि उसमें 10 गुना ज्यादा ताकत की बात पूरी तरह सही नहीं है कि जब 10 गुना ताकत होती है उसमें, लेकिन हाँ वो उसकी जो मांसपेशियां हैं इतनी ताकतवर होती हैं कि शिकार करने के बाद वो उसे बहुत तेजी से दौड़ने वाला जानवरों में वो पकड़ सकता है। साथ ही साथ वो उसके जबड़ों में इतनी ताकत होती है कि बड़ी बड़ी हड्डियों को भी वो चंद मिनटों में तोड़ देता है।